तो आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुभव मित्र में। मैं हूँ आपका दोस्त रवि। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि डबल डेट कैलेंडर का पार्ट 5। इसमें हम दोस्तों हम सीखेंगे वो, जैसे मान लो हमें कोई डेट दे दी जाए, जैसे मान लो कि 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार हो और हमें आज की डेट फाइंड करनी हो, जैसे मान लो 13 जून 2019। अब हमें पूछ लिया जाए कि 13 जून 2019 को कौन सा वार होगा अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है। इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले दोस्तों हमें पहले वाला मेथड यूज में लेना पड़ेगा, यानी कि पिछला वीडियो जो हमने सीखा था कि 15 अगस्त 1947 को क्या शुक्रवार है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के बाद अगर शुक्रवार आता है इस तरीके से तो हम क्या निकालेंगे, 13 जून 2019 को क्या कौन सा वार है, आज आज का वार है हमारा गुरुवार, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्या गुरुवार 13 जून 2019 को आएगा, तो वो सीखने से पहले दोस्तों हमने जो पहला वीडियो सीखा था ना कि सिंगल डेट का अगर हमें कोई वार पूछ ले जाए, जैसे मान लो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे कि क्या ये शुक्रवार है। तो किस प्रकार निकालते थे हम, क्या करते थे हम कि जैसे मान लो 15 अगस्त 1947 को हमें डेट निकालना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि या शुक्रवार आएगा या नहीं आएगा। अगर शुक्रवार आता है तो हम 13 जून 2019 को निकालेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो क्या करते थे कि इसमें जो साल दिया हुआ है 1947, इससे पहले वाला साल कौन सा है आपका, इससे पहले वाला साल है दोस्तों 1946। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि जो साल दिया है और पूछा जाए उस साल की, मान लो कोई भी साल दे दी जाए, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमें पूछा है 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, तो जो साल दिया जाए उससे पहले वाला साल कौन सा है 1946, उसके हम उसके क्या निकालेंगे हम, और डे यानी विषम दिन निकालेंगे, तो 1946। अब दोस्तों जो साल आपको दिया हुआ ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आगे वाले दो अंक किसे रिप्रेजेंट करते हैं, शताब्दी को बताते हैं, ठीक है। और पीछे वाले ये दो अंक है ये किसको बताते हैं, ये ईयर या साल को बताते हैं। तो बताओ 1946 का मतलब क्या हुआ, शताब्दी। जैसे मान लो 17वीं शताब्दी का मतलब होगा 1700, 18वीं शताब्दी का मतलब होगा 1800, और 19वीं शताब्दी का मतलब होगा 1900, या 20वीं शताब्दी का मतलब होगा 2000। इस प्रकार हमारी शताब्दियाँ चलती है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई शताब्दी। अब दोस्तों बताओ 1946 का मतलब क्या हुआ, 19वीं शताब्दी, ठीक है, प्लस 46वां साल, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही पड़ गया नॉर्मली, ठीक है, और हमने डिस्कस भी कर लिया है पिछले वाले वीडियोस में। तो अब बताओ 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ 1900, प्लस 46वां साल का मतलब क्या हुआ 46 साल, प्लस। दोस्तों हमने देखा था कि एक सामान्य वर्ष होता है, एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, और 52 सप्ताह होता है इसमें, ठीक है, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो दोस्तों 46 साल में एक दिन तो विषम दिन होएंगे, यानी कि 46 के 46 तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब दोस्तों 46 साल में लीप वर्ष भी तो होते हैं ना, तो लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देंगे हम, 4 का, तो 4 एकम 4, बचा कितना 6, तो 4 एकम 4, ठीक है, तो शेषफल 2, यानी कि 11 इसमें क्या आएंगे, लीप वर्ष आएंगे। जो लीप वर्ष आते हैं ना, और जो सामान्य वर्ष जो जितने साल पहले दिए हैं वो के वो तो आपको रखने ही हैं, और उनमें देखना है कि लीप वर्ष कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो अब इन तीनों में देखो, अब दोस्तों लीप शताब्दी होती है तो हम किसका भाग देते हैं, लीप शताब्दी होती है जैसे सॉरी शताब्दी होती है तो शताब्दी में हम किसका भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं, तो 400 के 16, और शेष पर कितना बचा, रिमाइंडर 3। और हमने देखा था कि जब भी रिमाइंडर 3 आए तो विषम दिन या ओड डेज की संख्या कितनी होगी आपकी, 1 होगी। तो यहाँ 1900 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 46 प्लस 11। तो देखो दोस्तों इनको तीनों को जोड़ो, 6 और 1 7, ठीक है, और 1 8,
और 5, यानी कि 58 आपके क्या आएंगे, विषम दिन आएंगे। अब देखना है 1946 को, तो हमने देखा था कि ये 15 अगस्त 1947 से पहले वाले साल में निकलना है। अब हमें जो साल दिया हो ना उसको कहाँ तक जाना है हमें, जैसे मान लो 1947 के हमें कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त प्लस, ठीक है। जनवरी में विषम दिन निकाले थे हमने, वो आपको अगर नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियोस में जाके देखो, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। क्यों होते हैं, क्योंकि जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 31, और डेज निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 31 में 4 का, तो 4 का 7 के 28, विषम दिन कितने बचेंगे आपके, मतलब विषम संख्या कितने बचेंगी, 3 बचेंगी, तो वही तो होगा आपका। और फरवरी में कितने होते हैं विषम दिन, 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में दो, जुलाई में 3 प्लस अगस्त। अब अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है, 15 दिनों तक जाना है, तो 15। अब इन सब को जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 कितने होंगे आपके, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने होंगे आपके, 16, और ये 15 और 16 कितने हो जाएंगे, 31। और अब जोड़ दो आप 58 प्लस 31, यानी कि दोनों सालों के जो विषम दिन निकल के आए ना उनको जोड़ लो, तो 31 और 58 कितने होंगे आपके, 89। तो दोस्तों हमने देखा था कि 7 दिन के बाद जितना भी आए ना विषम दिन या ओड डेज या विषम संख्या, जो भी आपकी 7 दिनों के बाद संख्या आए ना उसमें हमेशा 7 का भाग देते हैं हम वार निकालने के लिए। तो 89 में 7 का भाग दे के देखो दोस्तों, 89, तो 89 में जैसे ही हमने 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, बचा कितना आपका यहाँ पर, 1 और 9, तो 7 दुनी 14, ठीक है। और शेष पर कितना बचता है, 5। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि जब भी शेष पर 5 बचे तो वार कौन सा आता है हमारा, शुक्रवार आता है। कौन सा वार आता है, शुक्रवार। और हमें दे क्या रखा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार निकाला है हमने, शुक्रवार। तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, 13 जून 2019 को। ये जो मेथड है ना उतना आसान तो नहीं है आप कह सकते हो, लेकिन दोस्तों कोई भी डेट हो ना इस तरीके से निकाल सकते हैं, जब भी आपको दूर दूर की डेट्स दे दी जाए। अब आपके लिए ट्रिक भी है, यानी कि 2003 है उसके आसपास, मान लो 2005 को पूछ लिया जाए तो आसपास वाली संख्या तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब आपको इसमें कह दिया जाए 15 अगस्त 1947 की जगह 1616 दे दी जाए, तो इतने सालों के गैप के अंदर आप ट्रिक का यूज कहाँ करेंगे, तो आपको जनरल मेथड तो यूज करना ही होगा। अब हम निकाल लेते हैं जो हमें पूछा है ना कि 13 जून 2019 है यहाँ पर, ये तो हमें पूछा था। तो 13 जून 2019 को कौन सा वार होगा, यानी कि आज के दिन यहाँ पर कौन सा वार होगा, तो करना क्या है, वही मेथड अपनाना है कि इससे पहले वाली डेट कौन सी है, 2018 है। तो सबसे पहले हमने 2018 का क्या निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। तो 2018 का मतलब क्या, 20वीं शताब्दी, ठीक है, प्लस 18वां साल, ठीक है। 20वीं शताब्दी में लीप वो विषम दिन निकालो, 0 बचेगा, क्योंकि 2000 में 400 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। अब 18 में 18 तो आपको लिखना ही है, अब 18 में आपको देखना है कि लीप वर्ष कितने आते हैं, 4 चौके 16, यानी कि 4 लीप वर्ष और आएंगे तो विषम दिन कितने निकलेंगे, आएंगे 22। अब हमें क्या करना है, जिस साल का निकालना है कि यानी कि 13 जून 2019 को निकालना है, तो 2019 में हमें कहाँ तक जाना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जून तक ही तो जाना है। तो जनवरी के में विषम दिन कितने होते हैं, 3, फरवरी में 0, जनवरी फरवरी मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में कहाँ तक जाना है, 13 तक जाना है। अब इन सब को जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितने होंगे आपके, 8 और 3 11, 11 और 13 कितने होंगे, 24। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, दोनों को जोड़ना है, यानी कि 24 प्लस 22,
तो 24 और 22 कितने होंगे हमारे 46। और मैंने अभी बताया था कि 7 के ऊपर अगर आपको बार पूछ ली जाए कि 7 से ऊपर विषम दिन निकलने पर हमेशा किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 छक्के 42, 46 पर कितना बचता है 4। अब 4 देखो, 0 पर हमारा रविवार होता है, 1 पर सोमवार होता है, 2 पर मंगलवार होता है, 3 पर बुधवार होता है, 4 पर क्या आएगा हमारा बृहस्पतिवार, वीरवार या गुरुवार। तो 4 पर निकलेगा आपका गुरुवार, यानी कि आज की डेट ही तो हमें फाइंड करनी थी कि 13 जून 2019 को कौन सा वार होगा, तो हमारा निकल के आता है गुरुवार। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी डेट या किसी भी साल या किसी भी दिन का वार निकाल सकते हैं जब आपको डबल डेट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आपको ये पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, शुक्रवार नहीं देखे दोस्तों, अगर आपको कह दिया जाए कि इस दिन कौन सा वार होगा, बुधवार होगा, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, तो हमें निकालना है आज की डेट 15 अगस्त 1947 को बुधवार होगा, तो बताओ 13 जून 2019 को कौन सा वार होगा। अभी हमने फाइंड किया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होता है, शुक्रवार होता है, लेकिन इसने कह दिया है कि इस दिन कौन सा वार होगा, बुधवार होगा, बुधवार। तो बताओ दोस्तों अगर हम फाइंड करें 15 अगस्त 1947 को, तो आता तो शुक्रवार है लेकिन दिया क्या है बुधवार है, तो हमें करना क्या है कि बुधवार शुक्रवार से कितने दिन पहले फाइंड करने पर, यानी कि बुध बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 2 दिन पहले, तो आपको क्या करना है, शुक्र में से 2 घटा देना है। यहाँ पर क्या करना है, शुक्र में से 2 घटाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा, बुधवार निकल के आएगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे 13 जून 2019 को कौन सा दिन निकल के आएगा, गुरुवार आएगा। इसमें हमने कितने घटाए थे, 2 घटाए थे, तो 2 घटाओ आप गुरुवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी 2 दिन घटाएंगे सोमवार और मंगलवार, तो मंगलवार आपका डेट निकल के आएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी डेट का निकाल सकते हो। अगर हमें कह दिया जाए, जैसे मान लो ये कह दिया जाए, एक डेट और निकाल के देख लेते हैं इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में, अगर हमें कह दिया जाए कि 17 मार्च और 1942, ठीक है, 17 मार्च 1942 को अगर हमें कह दिया जाए कि सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो बताओ आज की डेट यानी कि 13 जून 2019 को कौन सा वार, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो डेट ऊपर दी, क्या इसके इसको हम निकालेंगे तो क्या सोमवार आता है, तो सबसे पहले निकाल कर देख लेते हैं कि 1942 से पहले वाला साल कौन सा है। सबसे पहले वाला साल है 1941, और 1941 में हम डेट फाइंड कर देंगे तो 1900 शताब्दी का मतलब हुआ 19वीं शताब्दी वाला 1900 में 400 का भाग देंगे तो वो शेष पल आएगा 300 आएगा, 300 में विषम दिन कितने होते हैं 1 प्लस, अब 41, अब 41 साल में हमें देखना है 41 की 41 तो होंगे, और 41 में वो लीप वर्ष कितने होंगे, 41 में 4 का भाग दो 400 के 16 520 और 10 चौके 40, यानी कि 10 लीप वर्ष होंगे। अब इन सबको जोड़ो 41 और 10 और 51, 51 और 1 52, तो ठीक है, ये तो विषम दिन आ गए 1941 में। अब 1942 में हमें कहाँ तक जाना है, 17 मार्च तक जाना है, 1942 17 मार्च, यानी कि जनवरी में कितने होंगे विषम दिन 3, फरवरी में 0 और 17, 17 और 20 3 कितने होंगे आपके 20, और अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो 2 और 5 और 2 कितने होंगे 7, और जब भी आपके शेषफल 7 से ऊपर आए तो क्या किसका भाग देंगे हम 7 का, तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2। दोस्तों 2 होने पर कौन सा वार होता है, सोमवार और मंगलवार होता है, यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा मंगलवार निकलेगा, लेकिन दिया हुआ क्या है सोमवार है, क्या दिया हुआ है सोमवार है, तो मंगलवार निकलता है। हम डेट फाइंड करते हैं तब, यानी कि 17 मार्च 1942 को कौन सा डेट निकलता है, मंगलवार, लेकिन दिया हुआ क्या है सोमवार, तो क्या करेंगे हम इसमें से 1 घटा देंगे। जब भी हमें इस तरह की दिया हो ना, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि कौन सी डेट और किस वार को निकलती है, तो मंगलवार निकलता है, मंगलवार से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा सोमवार आएगा। तो और हमने पूछा क्या था, सॉरी
यहाँ पर दिया हुआ है सोमवार और आता है हमारा मंगलवार, तो एक प्लस करेंगे तभी तो आएगा ना दिया, सॉरी सोमवार ही दिया हुआ हमें और निकालना क्या है हमें, और आया है हमारा मंगलवार, तो एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा सोमवार आएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी डेट को फाइंड कर सकते हो चुटकियों में। अगर दोस्तों आपको जनरल मेथड पता है तभी आप इसका निकाल सकते हो, अगर आपने ट्रिक का यूज़ कर लिया ना तो उस तरीके से आप दोस्तों मेरी गारंटी है आप किसी भी डेट को नहीं निकाल सकते हो। हाँ ट्रिक का यूज़ कर सकते हो आप एक दो कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये तरीका आपके लिए हर एग्ज़ाम में अगर आपको बेसिक लेवल सीखना है कैलेंडर का। अब हमें देखना है कि 13 जून 2019 को कौन सा वार होगा, इस दिन तो आया था हमारा सोमवार, तो अगर हम इस डेट को फाइंड करेंगे कि 13 जून 2019 को, तो आज की डेट क्या है, आज का दिन क्या है दोस्तों, गुरुवार है, गुरुवार है। लेकिन इसने क्या कहा है कि 13 जून 2019 को, 13 जून 2019 को क्या आएगा, इसमें हमने फाइंड किया था तब तो आया था हमारा दोस्तों मंगलवार, और उसमें से हमने क्या घटाया था, ए घटाने पर हमारा सोमवार निकलता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे ए घटा देंगे, तो ए घटाएंगे तो कौन सा वार आएगा, बुधवार। तो इस प्रकार हम निकालेंगे, लेकिन होगा क्या, गुरुवार होगा, गुरुवार में से हमें एक दिन घटाना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आता तो हमारा कौन सा वार है मंगलवार है, लेकिन निकाला उत्तर में क्या होगा हमारा सोमवार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले या इस मेथड का यूज करके ही दोस्तों डबल डेट वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर यार लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर चैप्टर को क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के चैप्टर यानी कि कैलेंडर के पार्ट 5 में, तब तक के लिए देखना ना भूलें मेरे चैनल अनुभवित रवि को, और हाँ साथ साथ में लाइक करते जाएं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि अगर आपको डबल डेट या कैलेंडर के पार्ट को सही तरीके से सही मेथड से सीखना है ना तो ट्रिक का कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये इतना अच्छा पार्ट है, इसमें से हर साल 2 या 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, और आप अगर जनरल तरीके से करेंगे ना तभी आप इसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझने में क्लियर होंगे, अगर आप ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हल करने में दिक्कत आ सकती है। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।